हेलो जी असलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। तो लॉन्ग वीडियो जो है वो तो मैं कुछ देर बाद अपलोड करूंगा, लेकिन यार ये जो शॉर्ट वीडियो है वो दो टॉपिक के रिलेटेड है। इसमें एक टॉपिक जो है वो क्रिप्टो ने आईएटी स्पोर्ट्स क्यों छोड़ी, जबकि दूसरा टॉपिक जो है वो पीएमडब्ल्यूआई के रिलेटेड है। तो रिसेंटली आईएटी स्पोर्ट्स की जो कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है उसमें काफी ज्यादा ये भी बात चल रही है, क्रिप्टो से रीजन पूछा जाए कि उसने आईएटी स्पोर्ट्स क्यों छोड़ी वगैरह वगैरह। उसी सब के रिलेटेड रिसेंटली क्रिप्टो जो है वो अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में रिप्लाई देते हैं। वो क्या रिप्लाई देते हैं आप लोग खुद देख लें। लीव करने के बारे में बताओ, सीन क्यों लीव की थी यार? मैंने पिछले 1.5 साल से चुप रहा, लाइक ताकि मैंने मेरा दिल था मैं किसी की रिस्पेक्ट ख़राब ना करूं। मैंने हेट बहुत से लोगों से, लाइक कुछ कुछ कहते हैं कि फेम के लिए भाग गया है या पैसे के लिए भाग गया है या इन चीज़ों की मैंने सहा, क्योंकि मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा ना कभी बोलूँगा, बिकॉज मेरा दिल नहीं है कि मेरी वजह से किसी भी बंदे की इज्जत डाउन हो या मैं बोलूँ तो उनकी वजह से मेरी इज्जत डाउन हो या किसी बंदे की रिस्पेक्ट डाउन ना हो। सारे अपनी जगह सही होते हैं और इसलिए मैं कभी बात नहीं करूँ इस बारे में ना पूछा करूँ, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से चुप रहा हूँ। मैंने कभी बात नहीं की इस बारे में कि मैंने बस ये सोचा था कि यार अगर मैं लोगों की बुराइयाँ छुपा के रखूँगा तो ऊपर वाला मेरी बुराइयाँ छुपा के रखेगा, साफ बात। तो मैं ना कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँगा। हेट मैंने बहुत से जो बंदे कहते थे भाई पैसे के लिए भाग है, इसके लिए भाग है, उसके लिए भाग है, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं डाला। मैंने कहा खैर बंदे बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं चुप रहूँगा और कुछ नहीं। सर अब तो क्रिप्टो ने खुद रिवील कर दिया कि वो रीजन कभी भी रिवील नहीं करेंगे किस वजह से उन्होंने आईएटी स्पोर्ट छोड़ी। अगर आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके अलावा पीएमडब्ल्यूआई के रिलेटेड बात कर लेते हैं तो यार काफी ज्यादा ये न्यूज वगैरह चल रही थी कि इस दफा पीएमपीएल की जो स्लॉट है वो पीएमडब्ल्यूआई में नहीं होगी। इसी सब के रिलेटेड ट्रायंडा और पाकिस्तान के कास्टर्स वगैरह ने भी रिसेंटली अपनी स्ट्रीम्स वगैरह में बात की थी और उन्होंने तो यही कहा था कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आई है, इस वजह से जो रूमर्स वगैरह है वो चल रहे थे। लेकिन अब सीन ये कि पीएमडब्ल्यूआई 2023 की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ चुकी है और उसके मुताबिक पीएमडब्ल्यूआई जो है वो दो फेजेस में खेला जाएगा, जिसमें एक फेज जो है वो ऑल स्टार स्टेज का होगा जबकि दूसरा जो है वो मेन टूर्नामेंट का। और ऑल स्टार स्टेज का सीन ये है कि उसमें 14 जो टीम्स हैं वो पीएमपीएल से आएंगी, जिसमें पीएमपीएल पाकिस्तान, साउथ एशिया, थाईलैंड सब शामिल हैं, जबकि 3 टीम जो है वो इनवाइटेड होंगी जो कि साउथ कोरिया, जापान और एक स्पेशल इनवाइट, और मजीद एक जो टीम है वो होस्ट कंट्री की होगी। और इस तरह टोटल 18 टीमें जो है वो हमें ऑल स्टार स्टेज खेलती हुई दिखाई देंगी। और फिर इसके बाद ऑल स्टार स्टेज की जो टॉप 5 टीम्स होंगी वो हमें मेन टूर्नामेंट के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करती हुई दिखाई देंगी। और मेन क्वालिफायर्स का सीन ये है कि 4 जो चैंपियनशिप होंगी उनकी टॉप 1 की जो टीम है वो मेन टूर्नामेंट खेलेंगी। और इसके अलावा पीएमपीएल स्प्रिंग 2023 साउथ ईस्ट एशिया की 2 टीमें होंगी, पीएल से टॉप 2, उसके अलावा जापान और कोरिया का जो शोडाउन हुआ था उससे एक टीम, और सऊदी ई लीग जो हुई थी जिसमें क्रिप्टो की टीम विन की है, क्रिप्टो की टीम, और मजीद एक इनवाइटेड टीम। तो इस तरीके से टोटल 16 टीम जो है वो हमें मेन टूर्नामेंट खेलते हुए दिखाई देंगी। इसके अलावा डेट्स के रिलेटेड बात करें तो ऑल स्टार स्टेज के जो मैचेस है वो जुलाई 11 से जुलाई 13 तक चलेंगे, जबकि मेन टूर्नामेंट है वो जुलाई 14 से जुलाई 16 तक चलते हुए हमें दिखाई देगा। और हम सबने जो सोचा हुआ था कि क्रिप्टो वर्सेस आईएट भी होगा और उसके चांसेस अब थोड़े कम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑल स्टार से अगर आईएटी स्पोर्ट जो है वो टॉप 5 में नहीं आ सकी तो हमें क्रिप्टो की टीम के साथ मेन टूर्नामेंट खेलते भी नहीं दिखाई देगी। तो देखते हैं कि क्या सीन बनते हुए हमें दिखाई देता है। अगर इजी सा फॉर्मेट था, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारा समझ आ जाए। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।